Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will discuss with you Gala Paper Set Solution Paper 4 Standard Maths Section A. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स. इफ द वैल्यू ऑफ टू जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल इन x इज जीरो ईच देन द पॉलीनोमियल विल हैव नो टर्म विद x एज वेल एज कॉन्स्टेंट टर्म. तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, इफ द वैल्यू ऑफ टू जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल के कोई भी दो जीरोस की वैल्यू अगर जीरो है तो उसमें कौन सा टर्म नहीं होगा, x वाला और कॉन्स्टेंट टर्म. तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो थियोरिकली है. देन इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो इज 49. डिस्क्रिमिनेंट आपको पहले से ही दे दिया हुआ है, दैट इज 49. वॉट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. और अगर k इज इक्वल टू 6 आता है दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो देखिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करें 49 इंस्टेड ऑफ d, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट k इज इक्वल टू माइनस 6. हमें मिला k इज इक्वल टू माइनस 6 और हमें दिया हुआ है k इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स इट डिडंट मैच. तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स. Then question number 3, for a given AP, if AN is equal to 5N minus 70, then its 8th term is 30. हमें क्या दिया हुआ है, AN is equal to 5N minus 70. और हमें क्या चेक करना है कि अगर AN ये है तो इसका 8th term क्या होगा, 30. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे AN वाले equation में N की जगह पे 8 रख देंगे तो हमें A 8 मिलेगा. और N की जगह पे अगर 8 रखूँ तो मुझे मिल रहा है A 8, कितना मिल रहा है, minus 30. और मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 30, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन क्वेश्चन नंबर 4, कॉट थीटा प्लस 3 इंटू 3 कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉट थीटा. तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इंटू 3 कॉट थीटा, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इंटू 1 तो कॉट थीटा, 3 3 जा 9 कॉट थीटा एंड 3 1 जा 3. और हमें पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड पे दिया है स्टूडेंट वो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है. तो मैंने क्या किया, कॉट स्क्वायर को कन्वर्ट किया बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 जा 3 प्लस 10 कॉट थीटा प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉट थीटा. तो हमें यही दिया हुआ है, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 256 अपॉन 125 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो हमें पता है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन में अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 रेस टू m 5 रेस टू n फॉर्म में हो तो वो ऑलवेज क्या होता है, टर्मिनेटिंग. और अगर यहां पे भी मैं देखूं तो 256 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 0. तो ये हमारा ये फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर. तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन द ग्राफ ऑफ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द ओरिजिन. तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. कैसे पता चलेगा, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0. ये लाइन हम, ये ग्राफ हमारा ओरिजिन में से पास आउट होता है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो 5x इज इक्वल टू 4y. अगर x मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिल रही है, 0. दैट मीन्स ये जो ग्राफ है वो मेरा कहाँ से पास आउट होगा, 0 0 में से पास आउट होगा. सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा, मीडियन से कितना ज्यादा है, 8. तो यहाँ पे मैंने वही डेटा पे से एक इक्वेशन बनाया कि मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस 8. देन द मोड एक्सीड्स इट्स मीन बाय ब्लैंक. हमें क्या चेक करना है कि मोड जो है वो मीडियन से कितना ज्यादा है. तो हमें पता है कि तीनों को ज्वाइन करता हुआ हमारे पास एक इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, वेर m क्या होगा हमारा, जेड माइनस 8. तो z इज इक्वल टू 3 इंटू जेड माइनस 8 माइनस 2x बार. नाउ 3 इंटू जेड 3z 3 8 जा 24, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन z माइनस 3z 2z और ये 2x बार को हम ये साइड लेके गए, तो 2x बार इज इक्वल टू 2z माइनस 24. 2 आ गया नीचे डिवीजन में
और यहां से 2 निकाल लिया कॉमन, तो 2 2 कट, तो x बार इज इक्वल टू मिलेगा z माइनस 12। हमें मोड चेक करना है कि कितना ज्यादा है, तो 12 को हम लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट बिकम प्लस 12। तो मोड से मीडियन कितना, मीडियन सॉरी मीन से मोड कितना ज्यादा है 12, तो यहां पे क्या आएगा मोड एक्सिड्स इट्स मीन बाय 12। देन क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑफ एनी लीप ईयर हैविंग 5 संडेज। तो ये तो अभी आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, अगस्त में चेक करते हैं कि कितने डेज होते हैं, और अगस्त के डेज होते हैं 31। 31 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 फोर जा 28, रिमाइंडर इज 3, तो हमारा आंसर आएगा 3/7। देन क्वेश्चन नंबर 9, इफ पी ऑफ एक्स रेशियो पी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 7:4, देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक। तो जब भी रेशियो में दिया हो तो हम एक्स के फॉर्म में ले लेते हैं, तो पी एक्स को हम लेंगे 7x एंड पी ऑफ एक्स बार होगा 4x। हमें पता है कि पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू होगा 1। नाउ 7x प्लस 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/11। x इज इक्वल टू 1/11 मैं किस में रखूंगा, जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है पी ऑफ एक्स की उसमें, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x, 7 × 1/11, 7 × 1 = 7, 7/11, सो आंसर इज 7/11। देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस ky इज इक्वल टू 20 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन ब्लैंक होल्ड्स गुड। यूनिक सॉरी हमें कोई भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन बोला हुआ हो तो हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वेर a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड b2 इज ऑल्सो अ कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 16/3। अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू हमारी 16/3 नहीं होनी चाहिए, तो ही हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ a ऑफ 2 2, b ऑफ -4 -4 एंड c ऑफ 5 -8 आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ABC, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू c इज ब्लैंक यूनिट। हमें क्या बोला हुआ है, ए बी सी के वर्टाइसिस दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन कहाँ से ड्रॉ किया है, फ्रॉम पॉइंट सी, तो सी से अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो ये ए बी को इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट हो जाएगा डी, और ये जो पॉइंट डी है वो ए बी का होता है मिड पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स मिले मुझे -1 1। नाउ ये लेंथ अगर मुझे फाइंड करनी हो तो मुझे पता है कि लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सीडी, और सीडी का अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट है -1 1, और हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2² + y1 - y2² एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट सीडी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू √117। सो √117 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन क्लासेस, हमें क्या फाइंड करना है मीडियन क्लास। तो आपको पता है कि मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है n, और अगर आप फ्रीक्वेंसी का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 80। नाउ n मिलने के बाद हमें करना होता है n/2 मिलता है 40। फिर हम क्या करते हैं मीडियन क्लास में चेक करते हैं कि 40 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है मीडियन क्लास में। तो अगर आप देखोगे तो 12 + 18 = 30, 30 + 25 = 45, तो 40 के डायरेक्ट बाद क्या आएगा 45, तो मीडियन क्लास हमारा क्या होगा 30 to 40। 30 to 40 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंट एज ऑफ जलपा सन अहान इज 1/3 द प्रेजेंट एज ऑफ जलपा। जलपा का एक सन है अहान, उसकी एज क्या है 1/3 ऑफ द जलपा एज, और जलपा की एज हमें बोली हुई है एक्स ईयर्स, तो यहाँ पे अहान सेज क्या होगी x/3 years। अभी देखिए क्या फाइंड करना है, द एज ऑफ अहान आफ्टर 12 years। तो आपको पता है कि जब भी आफ्टर की बात हो तो हम ऐड करते हैं, हमें कितने साल बाद चाहिए आफ्टर 12 years, तो मुझे क्या करना पड़ेगा x/3 जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें 12 years ऐड करने पड़ेंगे। सो मेरा आंसर होगा x/3 + 12। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस 0 0 6 0 and 0 8 इज ब्लैंक यूनिट। तो देखिए सबसे पहले a ऑफ 0 0, b ऑफ 6 0 एंड c ऑफ 0 8,
तो आपको पता है कि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे तीनों साइड्स फाइंड करने पड़ेंगे, और तीनों साइड्स कैसे मिलेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी मिला 6, बी सी मिला 10, ए सी मिला 8, एंड आपको पता है पेरीमीटर का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल दी साइड्स। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एंड पेरीमीटर क्या आएगी 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो देखिए सेम क्वेश्चन हमने मार्वल में भी किया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड लेके जाए, सो इट बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अगर ये वैल्यू मैं ये इक्वेशन में रखू, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज रखा, कॉस 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सो इट बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज बिकम 1। सो आंसर क्या आएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। देन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पी लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ टच द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी। हमें क्या बोला है, पी एक सर्कल के बाहर का पॉइंट है जिसमें से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जिसको नेम दिए ए एंड बी। सो पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। नाउ ए पी बी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, पूरा ए पी बी है 70 डिग्री। तो हमें पता है, हमने एक्सरसाइज 10.2 में ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं कि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दोनों का एडिशन होगा 180। तो अगर ये 70 है तो ये पूरा होगा 110, और ये पूरा 110 है तो ये दोनों तो उसके हाफ हाफ होते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, पी ओ ए, तो ये कितना होगा 55 डिग्री, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स है वो कितने के होते हैं, 180 के, ठीक है, उनका एडिशन क्या होता है 180। तो इस पे से हमें ये मिला और इसका हाफ ये होगा, तो ये होगा 55। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 143। यहां पे देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला हुआ है, तो यहां पे अच्छे से ध्यान देना है कि जब भी ऑड या इवन की बात हो तो हम कौन से नंबर्स लेंगे, सपोज वन नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी एक्स प्लस टू। कैसे, आपको पता है कि वन जैसे कि ऑड नंबर है, तो वन के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा आएगा, थ्री। वन में क्या ऐड किया मैंने, टू। वैसे ही थ्री के बाद क्या आएगा, फाइव। थ्री में मैंने क्या ऐड किया, टू। तो जब भी कोई नंबर में हम टू ऐड करते हैं तो हमें दूसरा ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज वन नंबर बी एक्स अनदर नंबर बी एक्स प्लस टू। हमें बोला है दोनों ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 143। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू टू एक्स। ना 143 को ले लो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 इज इक्वल टू जीरो। ना 143 और 143 के अगर हम फैक्टर्स निकाले तो ये होंगे 11 एंड 13। ना 11 और 13 को सिंप्लीफाई करके एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 11, एक्स इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 13। बट माइनस 13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वन नंबर बी 11 एंड अनदर नंबर इज 13। देन क्वेश्चन नंबर 18, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एस 24 25 26 एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री 30 31 34 इज 27.5, देन एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक। हमें क्या बोला हुआ है कि सारे नंबर्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, और इसका मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 27.5, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि m इज इक्वल टू होता है n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। नाउ हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन आर देयर, तो n इज इक्वल टू लेंगे हम 8, तो 8 बाय 2 दैट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ये 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इट बिकम 55 इज इक्वल टू 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन। नाउ 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन इज x प्लस 2 एंड 5th ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो x प्लस 3, दोनों को ऐड किया तो x प्लस x 2x, 2 प्लस 3 5, 5
goes on left hand side, so it become 55 minus 5, so it is 50. तो x की वैल्यू मिलेगी 25. Then question number 19. There is a road in the shape of circular ring around a circular ground. जैसे कि ये एक circular ground है और उसके अराउंड में क्या एक रोड है, ये जैसे कि रोड है, ठीक है. इफ द डिफरेंस ऑफ द आउटर सरकमफ्रेंस एंड द इनर सरकमफ्रेंस, ये है इनर सरकमफ्रेंस और ये जो होती है वो होती है आउटर सरकमफ्रेंस. इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 88 मीटर. ये जो गैप है सरकमफ्रेंस का वो है 88 मीटर. हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ रोड. ये विड्थ ऑफ रोड फाइंड करना है, ठीक है. तो आपको पता है कि विड्थ ऑफ रोड फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वन माइनस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू. और हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का इक्वेशन है 2πr, सो 2πr2 माइनस 2πr1, दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2π, सो इट बिकम r2 माइनस r1. पाई की वैल्यू 22/7 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 14 मीटर, सो 41 इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ थ्री एडजॉइनिंग सरफेस ऑफ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बेसिक पेपर सेट वन में, तो वो मैंने ऑलरेडी ये वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, अगर ना पता हो तो वो पेपर भी आप देख लेना, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन एनी लीप ईयर. लीप ईयर में हमें पता है 29 डेज होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, 1 इज रिमाइंडर, सो पी ऑफ ए होगा 1/7. देन क्वेश्चन नंबर 22, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/4 पी ऑफ ए बार, देन फाइंड पी ऑफ ए. तो अगेन यहाँ पे रेशियो की बात, पी ऑफ ए बार को हमने ले लिया डिवीजन में, तो इट बिकम 7 and 4, रेशियो होता है तो 7x 4x. फिर आपको पता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, और उस तरीके से हमें x की वैल्यू मिलेगी. x अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए क्या होगा, 7/11, ठीक है. सेम क्वेश्चन आगे भी हम कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 36 and 100. तो एलसीएम फाइंड करना तो आपको आता ही है, क्या आ रहा है एलसीएम, 900, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए ऑफ एम बाय 2 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग क्यू ऑफ -6 7 एंड आर ऑफ -2 3. तो देखिए एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके पॉइंट्स है -6 7 एंड -2 3, और यहां पे एक मिड पॉइंट है दैट इज m बाय 2 एंड 5. तो हमें पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो बिकॉज m बाय 2 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां पे इक्वेशन बनेगा x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2, वेर x1 y1 x2 y2, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कंपेयर x कोऑर्डिनेट विथ x, y कोऑर्डिनेट विथ y, एंड m बाई 2 इज इक्वल टू -4. हमें m की वैल्यू चाहिए तो m इज इक्वल टू 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 4 2 साइड, तो m इज इक्वल टू -8, सो इट इज द राइट आंसर. तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका पेपर 4 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन ए ऑफ पेपर सेट सॉल्यूशन 5. थैंक यू स्टूडेंट्स.